गुड मॉर्निंग। आज हम कल से जो लास्ट हमने पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन, उसके आगे पढ़ेंगे कि आगे डिफरेंशिएशन क्या क्या और आगे आज आ जाती है आपको पढ़ने के लिए, और फिजिक्स में हम कैसे प्रयोग करेंगे उसको भी आज हम पढ़ाएंगे। तो आज हम दो लेक्चर अभी बनाएंगे, एक पहले डिफरेंशिएशन मैथ जो पढ़ लीजिए इसका यूज़ कैसे करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें डालेंगे डिफरेंशिएशन से, जो आप अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन देखिए, जो हमने अभी पढ़ाया था वो एक पार्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशिएशन दो चीज़ों का। तो एक तो जो है अचर का डिफरेंशिएशन, पहला जो है अचर का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, डिफरेंशिएशन अवकलन अचर का। तो अचर जानते हैं, अचर मतलब होता है कांस्टेंट, चाहे आप कांस्टेंट बोलिए चाहे जो है अचर बोलिए, इसका अवकलन क्या होगा। देखिए, इसके पहले मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि ये इसका दो पार्ट हम बनाते हैं, एक तो अचर का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा आपको पता होगा सिंपल सा कि किसी भी संख्या का जो घात होता है, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान एक होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 5 घाते 0 लिख दें, घाते 0 है तो इसका मान कितना होगा 1। यक्स घाते 0 लिख दें, इसका मान कितना होगा 1। 100 घाते क्या लिख दें 0, तो इसका मान क्या होगा 1। 1000 10000 20000 25000 किसी का भी घात अगर हम 0 कर देंगे तो उसका मान क्या आ जाता है 1 आ जाता है। जैसे डब्लू घाते 0 ये कितना आएगा 1, पी घाते 0 कितना आएगा 1। कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, सबको किसी का भी घात अगर जो है अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये आपको समझ में आता होगा, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी हो, 15 घाते 0 कर देंगे तब भी क्या आएगा 1। कोई भी संख्या हो, सभी का घात जो होगा अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब आते हैं यहाँ पे अचर का डिफरेंशिएशन में। तो अचर कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं, अचर हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सबका जो मान होता है अचर, उसको अचर बोलते हैं। जितनी भी संख्या है, संख्याएं हैं वे सब अचर हैं। सब क्या है, अचर। जैसे 1, 2, 3 -1, -2, -3 100, 200, 300 कितनी भी संख्या हो, 5000 -5000 200 जितनी भी हैं, मतलब एक से लेके माइनस को लेते हुए जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, अचर है। ये सब अचर होते हैं, इनका मान फिक्स होता है। जैसे 2 रुपए है तो 2 रुपए का मान तो फिक्स है, 2 ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलेगा नहीं। तो मतलब जितनी भी संख्याएं हों सब क्या है, अचर होती हैं। दूसरा अचर कौन सा होता है, जो हम नॉर्मली सिंपल एस बी सी और ये कहाँ तक लिखते हैं, डब्लू तक, ए से बे बी सी डब्लू तक, ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं जब कुछ ना बताया जाए तो अचर होंगे, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। लेकिन जब इनको कहा जाएगा कि ये जो है वेरिएबल हैं, मतलब चर हैं, तब ये चर माने जाएंगे। लेकिन जब प्रश्न में बताया जाए तो ये क्या होते हैं, तो ये अगर जो लेकिन जब प्रश्न में बताया जाए क्या बताया जाएगा कि चर है तो चर और अचर है तो अचर, जब बताया जाए चर हैं तो हम चर मानेंगे इनको, तो हम चर मानेंगे नहीं तो क्या मानेंगे, अचर मानेंगे।
ठीक है। लेकिन जब प्रश्न में कह देगा तब फिर इसको हम चर मान के चलेंगे, नहीं तो हम इसको अचर मान के ही आगे करेंगे। तीसरा है कि जो जी होते हैं, देखिए जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी स्थिरांक होते हैं, स्थिरांक स्थिरांक इन सब का जो मान होता है, ये सब क्या होते हैं, स्थिरांक का मान, का मान जैसे जी का मान, जी बराबर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब अचर है, कांस्टेंट ये तो बदलेगा नहीं, अचर है। आर का मान गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.31, ये भी क्या है, अचर है। जिसका मान दिया हो, जी कैपिटल जी, इसका मान जो है 8.85 होता है, तो जितने भी मान हैं ये सब जो दिए जाएंगे, जिसका मान दिया रहे वो सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। जिसका मान दिया जाए, जिसका मान दिया जाए वह क्या होता है, अचर होता है, वह अचर होता है। तो ये तीन टाइप के हमने जो है आपको आपको अचर बता दिए। पहला कौन सा था, ये जो है जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर हैं, जितने ए से लेके डब्लू तक जो भी ए बी सी डी है वो सब अचर होती है। और दूसरा ये है कि ये सब जितने भी मान आपको दिए जाते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये भी अचर होते हैं। अब अचर का आपको निकालना है अवकलन, अचर का आपको क्या निकालना है, अवकलन। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 क्या है, अचर है। तो 5 अचर है तो इसमें दोनों तरफ किसका गुणा करेंगे, d by dx का गुणा कर देंगे, d by dx का हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 5। अब देखिए इसमें x तो है नहीं, x होता था तो उसका हम क्या करते थे, घात का गुणा, घात में एक कम करते थे। तो ये बताइए यहाँ पे हम d by dx इसको लिख सकते हैं 5 × x^0 लिख सकते हैं, क्योंकि x घाते जीरो का मान क्या होगा, एक होगा, x घाते जीरो का मान क्या होगा, एक। तो यह हम इसको ऐसे लिख दें, x घाते जीरो का मान क्या होगा, एक। चलिए 5 × 1 भी लिख सकते हैं, 5 × 5 हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। और आगे क्या लिख सकते हैं, d by dx इसको लिख सकते हैं 5 × अब एक की जगह क्या लिख सकते हैं, x घाते जीरो लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे x घाते जब जीरो लिख दिया यहाँ पे, तो अब बताइए dy/dx बराबर कितना आ गया, dy/dx ये कितना आया है, 5 × x^0। आपको पता है कि x घाते जो जीरो होता है इसका मान क्या होता है, x घाते जीरो। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, 5 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे d/dx और ये x^0 है। तो अब क्या करेंगे, हम घात का गुणा करेंगे, घात में एक कम, तो जीरो का गुणा करेंगे, जीरो x में एक कम कर देंगे, 0 − 1 करेंगे। अब बताइए किसी भी संख्या में जीरो का अगर हम गुणा कर देते हैं, तो जीरो का गुणा कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका सबका गुणा करेंगे तो क्या बन गया, 0। तो dy/dx बराबर क्या आ गया, 0। तो जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी स्थिरांक हैं या जितने भी अचर हैं, सबका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ये फार्मूला निकल के आया, जितने भी कांस्टेंट होंगे सबका अवकलन क्या आएगा, 0 आएगा। ये कैसे 0 आया, यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब देखिए जैसे y = 9 दिया है, तो आपको अगर dy/dx निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 0। अगर y = 5 दिया हुआ है तो dy/ अगर dt भी निकालना रहेगा तब भी 0, क्योंकि t नहीं है इधर, इधर x नहीं है, इधर t नहीं है। y = अगर 1000 दिया हुआ है तब भी इसका dy/dx क्या आएगा, 0 आएगा। तो जितने dy/dx 0 आएगा, dy/dt 0 आएगा, जितने भी हैं सब जो है 0 आएंगे। मतलब अचर का अवकलन शून्य होता है, कहीं भी रहेगा तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, 0 लिखना है।
डायरेक्टली क्या करना है, जीरो लिखना है। ठीक है, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा, जैसे y इज इक्वल टू, अब आता है नेक्स्ट। अब ये ध्यान रखिए, ये फार्मूला बन गया, कहीं भी अचर आएगा उसका जो है आप उसका अवकलन जो है क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब इसको dy वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो ये क्या है, हमारा अचर है, ये का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। y इज इक्वल टू अगर b दिया है, b क्या है, अचर है, तो dy वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, जीरो। या dy वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो। कुछ भी निकालिए, डी टी निकालिए या dx निकालिए, सब में क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे y इज इक्वल टू अगर जो है यहाँ पे p दिया हुआ है, तो dy वाई बाई डी टी ये क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। या dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तब भी जीरो आएगा। तो जितने भी अचर हैं सब का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे y इज इक्वल टू कैपिटल ये g दिया हुआ है, तो dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तब भी जीरो आएगा, और dy वाई बाई डी टी निकालेंगे तब भी जीरो आएगा। कुछ भी निकालिए, जीरो। तो फिर से हम आपको एक क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर कहीं अचर दिया हो तो उसका अवकलन करते वक्त डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, उसका मान क्या लिखेंगे, जीरो। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और है दूसरा, ये बनता है कि यहाँ पे देखिए, मैंने जो है आपको पहला लिखा है अचर का डिफरेंशिएशन, अब उसी में है आपका नेक्स्ट दूसरा। दूसरा क्या है कि y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का जो है अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे, dy वाई बाई डी टी, सॉरी dy वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, dy वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे x लिखा बराबर, इधर भी क्या लिखेंगे, dy वाई डी डी एक्स, यहाँ पे y लिखेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे घात कितना है, अगर कुछ नहीं होता है घात तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। अब क्या करेंगे, घात का गुणा करेंगे, घात में कम करेंगे, घात का गुणा किया, घात में कम कर दिया, यक्स घाते वन माइनस वन आ गया। तो ये क्या आ गया, वन गुणे यक्स घाते वन माइनस वन, मतलब यक्स घाते जीरो, और यक्स घाते जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। तो एक गुणे एक बराबर कितना आ गया, एक। तो अगर कहने का मतलब, अगर किसी भी जो है यक्स का या टी का घात अगर एक है तो उसका अवकलन जो है एक आ जाएगा। जैसे वाई इज इक्वल टू टी है, तो डी वाई बाई डी टी जो आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा। वन कैसे आया ये देखिए ना, वही बताया हमने यहाँ पे प्रूफ कैसे आया। d अगर जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम y इज इक्वल टू यहाँ पे 5t लिखते हैं, तो यहाँ पे dy वाई बाई डी टी अगर हमको करना है तो ये जो है 5 तो हमारा इधर रहेगा, दोनों तरफ dy वाई डी टी का गुणा करेंगे और यहाँ पे t आ जाएगा। तो अब बताइए t का घात कितना है, एक। घात का गुणा घात में एक कम, तो 5 गुणे 1, और यहाँ पे जो है t घाते वन माइनस वन, टी घाते जीरो हो जाएगा, टी घाते जीरो का मान एक होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाँच। तो पाँच एक के पाँच हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका अवकलन, जब किसी का घात एक है तो उसका मतलब उसका मान कितना आएगा, एक आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर उसका जो है यक्स है तो दोनों तरफ डी बाई कितने का गुणा करेंगे, डी एक्स का गुणा करिए। गुणा जब हमने कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी जो है डी बाई डी एक्स, यक्स का गुणा कर दिया। इसका घात कुछ नहीं घात होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स घाते लिखा है तो एक्स घाते एक होता है, अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब एक है। तो यहाँ पे घात एक है तो घात का गुणा करिए, एक का गुणा, घात में कम करेंगे, एक्स घाते वन माइनस वन, तो वन गुणे एक्स घाते कितना आ जाएगा, जीरो। एक्स घाते जीरो का मान कितना होता है, वन, तो वन गुणे वन बराबर कितना आ जाएगा, वन। तो किसी भी संख्या का घात अगर एक है या किसी भी एक्स और या टी का, तो उसका जो अवकलन आता है वो क्या आता है, एक आता है। दो चीजें इसमें इम्पॉर्टेंट थी, दो हमने आपको बता दिए। अब आते हैं थोड़ा सा मैथ और बढ़ाते हैं, इसके बाद फिजिक्स हम बताएंगे फिजिक्स में आपको क्या करना है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जो दो लेक्चर हो चुके हैं उसको आप लोग पढ़िए, और ये वाला जो है आगे अब दूसरा पढ़ते हैं कि अवकलन। अभी आपने देखा कि गुणा और भाग का अवकलन था, इसमें एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 5x लिखा है, अब करिए इसका, तो d बाई डी एक्स का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो ये d बाई डी एक्स का दोनों तरफ गुणा कर दिया 5x। अब ये गुणा में है, ये गुणे में है, तो ये जो है बाहर आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स इंटू जो है x, ये हो गया। ये जो है x का जब आप करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, अभी हमने निकाला है 5, इसका घात कितना है, 1, तो घात का गुणा, घात में एक कम हो जाएगा, घात में एक कम अगर हो गया तो हमारा कितना बन जाएगा,
जो है यक्स घाते 1 माइनस 1 मतलब यक्स घाते 0, 5 गुड़े 1 गुड़े यक्स घाते 0, यक्स घाते 0 का मान 1 होता है, तो 5 एक के 5 आ जाएगा। ये निकालने का तरीका है। अब एक चीज़ और आपके मन में कभी ये ना आए कि y इज इक्वल टू 5 यक्स घाते, 5 यक्स था और y इक्वल टू 5 था, तो जब हमने गुणा किया तो इसमें जो है डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो ये देखिए x का 1 हो जाएगा, 5 बचा रहेगा, ऐसे डायरेक्टली लिखी है। लेकिन जब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो हम 5 को क्या मान लेते हैं, 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमने बताया था अचर का 0। तो ये तब 0 होता है जब आप अचर को अकेले में देखोगे, जब यक्स के साथ में रहेगा तब इसका 0 नहीं करिएगा, नहीं तो पता चला 5 का भी आपने 0 कर दिया। जब यक्स, जब जितने भी अचर अकेले रहेंगे तब उसका 0 होगा। अचर कैसे होने चाहिए, अचर अकेले होने चाहिए, ठीक है, यक्स के साथ रहेगा तब नहीं, अकेले होने चाहिए, तभी उसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, तब अवकलन क्या आएगा, अवकलन शून्य आएगा, तब अवकलन ये शून्य होगा, ठीक है। ये बन गया सिंपल सा। अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और बढ़ाते हैं। अवकलन करना है आपको, अवकलन अब किस में करना है, पहला जोड़ तथा घटाना में, जोड़ तथा घटाने में, घटाने में, और दूसरे में आपको करना है गुणा तथा भाग में, गुणा तथा भाग में, गुणा तथा भाग में। तो पहला हम पढ़ते हैं, पहला हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जोड़ तथा घटाने में अवकलन कैसे करें, जोड़ तथा घटाने में, बाद में दूसरा पढ़ेंगे, पहले पहला देखते हैं। देखिए जैसे y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया जाए 3x स्क्वायर, जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे 5x घाते 3 माइनस माइनस 3x, ये कह रहा है कि अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, अवकलन करना है आपको, अवकलन कीजिए का मतलब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब यही होता है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा किससे करेंगे, dy बाई डी एक्स से गुणा करिए, दोनों तरफ गुणा। तो अब बताइए यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर ऐसे रहेगा ही रहेगा, 5x घाते 3 रहेगा, माइनस 3x रहेगा, गुणा कर दिया। अब इसका जो है, इसका दो सब में अलग अलग गुणा करिए, सब में अलग अलग गुणा करेंगे, तो इसका पहले इसमें करेंगे डी बाई डी एक्स, जैसे अंदर गुणा किया जाता है 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर इसका अंदर गुणा करेंगे डी बाई डी एक्स 5x घाते 3 करेंगे, फिर इसका अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डी बाई डी एक्स, अंदर जो है कितना है 3x है, ये बन गया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे अंतर क्या है, बस कई चीज़ें दी हुई हैं तो सब में अलग अलग गुणा कर दीजिए, बस सब में क्या करिए, अलग अलग गुणा कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना था। तो ये सब तो हो गया है, अब आगे जो है इसको हटा देना, आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से, अब यहाँ से देखिए हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है कि ये जो पहला वाला है, ये इसको आप निकाल चुके हो, इसको भी आप निकाल चुके हो अलग से, इसको भी आप निकाल चुके हो, तो अब बताइए 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर निकाल लिया, गुड़े यक्स घाते 2 है, तो घात का गुणा घात में कम, 2 गुड़े यक्स घाते कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे अब इस वाले को करिए, इस वाले को, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ गया, प्लस है, 5 बाहर आ गया, गुड़े अब यक्स घाते 3 है, तो घात का गुणा करेंगे, घात में 1 कम करेंगे, यक्स घाते 3 माइनस 1 आ गया, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो अब माइनस लिखेंगे, माइनस, अब ये 3x है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया। और हमने देखा कि किसी भी संख्या का घात अगर 1 होता है, मतलब ये यक्स का घात अगर 1 है, तो इसका अवकलन कितना होता है, 1 के बराबर होता है, या फिर डी घात का गुणा घात में कम कम कर लेंगे तो घात किसका, इसका घात कितना है, 1 है, 1 का गुणा, 1 का गुणा और 1 में कम कर लेंगे तो x 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये बन गया 1 माइनस 1। तो अब देख लीजिए 3 दूनी कितना आ गया, 6, x घाते जो है ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1,
एक लिखा नहीं जाता है तो भी लिख दे रहे हैं हम। पांच ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे यक्ष घाते कितना आ जाएगा, तीन में से एक गए दो, और यहाँ पे माइनस तीन गुणे, यहाँ पे यक्ष घाते एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, तो जीरो का मान कितना हो जाएगा, यक्ष घाते जीरो का मान एक हो जाएगा, तो तीन एक कितना हो जाएगा तीन। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी अगर प्लस और माइनस में दिया जाता है सबका अलग अलग करके आप जोड़ दीजिए, सबका अलग अलग अवकलन करिए जोड़ दीजिए, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जोड़ में हम ऐसे ही करते हैं, जोड़ तथा घटाने में हम ऐसे ही करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू यक्स घाते एक बटा दो प्लस यक्स यक्स घाते तीन बटा दो प्लस यक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ऐसे कर लेते हैं, इसका अवकलन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का दोनों तरफ गुणा करेंगे, गुणा गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, एक तरफ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर हम गुणा करेंगे यक्स घाते एक बटा दो प्लस यक्स घाते तीन बटा दो प्लस यक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ऐसे। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इसका सब में अंदर अंदर गुणा करिए सब में, तो डी बाई डी एक्स यक्स घाते एक बटा दो प्लस डी बाई डी एक्स यक्स घाते तीन बटा दो, अंदर गुणा कर रहे हैं सब में, प्लस डी बाई डी एक्स यक्स घाते दो प्लस डी बाई डी एक्स इंटू फाइव, ये हो गया, ये बन गया। अब इसका अवकलन आप जानते हैं कैसे किए हैं, इसका घात का गुणा घात में एक कम, तो एक बटा दो का गुणा एक बटा दो में कम, यक्स घाते एक बटा दो माइनस एक प्लस, इधर इसका कैसे करते हैं, घात का गुणा घात में एक कम तीन बटा दो यक्स घाते तीन बटा दो माइनस एक, ऐसे कर लिया हमने, प्लस इसमें घात का गुणा घात में कम दो गुणे कितना हो जाएगा, यक्स घाते दो माइनस वन, ये हो गया। अब जानते हैं कि ये तो ये क्या है, अचर है, अचर का जो अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, तो प्लस क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये एक बटा दो यक्स घाते, इसको निकाल लीजिए, दो एक के दो, दो में से एक में, तो माइनस एक बटा दो आ गया, तीन बटा दो तो रहेगा ही रहेगा, इसका दो एक के दो, तीन में से दो निकल जाएगा, एक बटा दो, एक बटा दो, ये टू यक्स घाते दो में से गए एक, तो टू यक्स हो गया, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब आपने देखा कि सबका अलग अलग कर लीजिए, बस अलग अलग करके जोड़ दीजिए, यही जो है जोड़ और घटाने में ऐसे ही किया। अगर यहाँ पे कहीं माइनस है तो आप भी माइनस लिखते चले जाओगे आगे, माइनस नहीं है तो नहीं लिखोगे, तो जो चिन्ह रहेगा वही आगे वही से लिखते चले जाइए। तो ये हो गया आपका जोड़ तथा घटाने में ये। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करिए, फिर इसके बाद मैं फिजिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि फिजिक्स थोड़ा बताओ कि ये जो आप पढ़ रहे हो इसका फिजिक्स में यूज कैसे है, प्रयोग कैसे है। तो उसके पहले मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सब लोग करके इसको सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम फिजिक्स में चलेंगे। तो अभी वीडियो ये वाला यहीं तक रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो फिजिक्स पे रहेगा, इतना पहले करके आप लोग भेजिए, मैं दूसरा वाला वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, अभी आप मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे 5x की पावर 3 प्लस 9x प्लस 8, इसको आपको करना है। दूसरा वाई इज इक्वल टू यक्स घाते 3 प्लस यक्स घाते 1/3, इसको करना है, ये ध्यान रखिएगा 1/3 है, नहीं तो आप लोग नीचे लिखते हो बटे में, यक्स घाते 1/3, ऐसे। दो तीसरा है वाई इज इक्वल टू माइनस यक्स घाते -3 प्लस यक्स घाते -4, इसको करना है, प्लस यक्स घाते 1/2, इसको करना है। चौथा है वाई इज इक्वल टू माइनस यक्स घाते -1/2 प्लस यक्स घाते 3/2, इसको करना है। पांचवा है वाई इज इक्वल टू यक्स घाते -1/4 प्लस यक्स घाते -1/5, इसको करना, सब में अलग अलग करके अवकलन जैसे करते हैं अलग अलग करिए जोड़ दीजिए, और जहाँ पे माइनस जाएगा वो माइनस रहेगा, मतलब घात का गुणा करेंगे तो ये घात माइनस में है तो माइनस पहले आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, जैसे पहले माइनस वाला निकाला है। वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं टी घाते 1/2 प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, टी घाते 3/2, ये हो गया। सातवां है वाई इज इक्वल टू यक्स घाते 5 प्लस
यक्स घाते 8 माइनस 8, इसको करेंगे। आठवां है y इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर 1/2। ये y इज इक्वल टू, नौवां है y इज इक्वल टू 3t की पावर -1/2 प्लस 5t की पावर -3/2, ये करेंगे। दसवां है y इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर -3/2 प्लस 3/2 टी की पावर 4/3। ग्यारह है y इज इक्वल टू -1/3 टी की पावर 1/2 प्लस 1/4 टी की पावर 3, ये हो गया। 12 है y इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर, या 5/2 कर लेते हैं शुरू में, 5/2 टी की पावर -1/3 टी की पावर -1/5। तो ये 12 सवाल हैं, 12 को आप लोग अभी करके इसको सबमिट करिए हमारे पास। अब सब लोग अपना आंसर हमारे पास अलग अलग भेजेंगे, जिससे मैं उसको आराम से चेक कर सकूं। और अगर इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग उसको बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे।